केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ की एक मस्जिद में घुसकर मौलाना को आज गोली मार दी गई। सुबह 6 बजे मौलाना ऑनलाइन उर्दू पढ़ा रहे थे। हमलावर ने पहले उनसे कुछ बात की और फिर तमंचे से गोली मार दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो हमलावर तमंचा वहीं फेंक कर भाग निकला। मौलाना नईम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोली कान के पीछे धस गई है। यह वारदात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मिलन पैलेस के पास स्थित मस्जिद की है। हमलावर का नाम सरताज बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन में लगी है। देखिए मौके के हालात। अवगत कराना है कि आज थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को समर गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल का नाम नईम है, जो कि एक मस्जिद में मौलाना है। लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि आज सुबह एक सरताज नाम का व्यक्ति है, जो कि मंदबुद्धि बताया जा रहा है, आज इनके पास मौलाना जी के पास आया था सुबह और आकर इनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें घायल हुए। अभी किन कारणों की वजह से इनका आपसी विवाद था और क्यों इसने फायरिंग की है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और इसमें इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं तथा इसमें अभी भी कार्रवाई की जा रही है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।